स्टॉक्स के बारे में व्यू लेंगे, लेकिन लोगों के मन में ना कश्मकश आज वोडाफोन आइडिया की तेजी को देखकर होगी। जिन्होंने होल्ड कर लिया होगा या नहीं निकल पाए होंगे, आज की तेजी देखकर वो थोड़ा सा विचार कर रहे होंगे कि अब क्या करें। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी होल्डिंग थोड़ी सी ऊपर के भाव की होगी, 17-18 वाली रेंज में भी उन्होंने लिया होगा। वो सोच रहे हैं क्या मेरा भाव आएगा, क्या ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ से उछाल पर निकल जाने की। तो हमने क्या किया है ना कि दोनों के दोनों सिनेरियो को परखने की कोशिश की है कि वोडाफोन यहाँ से चलने वाला है या फिर यहाँ से गिरने वाला है। दोनों साइड के अपने अपने तर्क हैं, यानी कि बुल्स और बेयर्स के, और हमारे दो सहयोगी तैयार हो गए हैं वोडाफोन आइडिया पर बुल और बेयर के तर्क बताने के लिए। हमारे साथ हैं वरुण दुबे और शरद दुबे। वरुण, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए आप बुल हैं या बेयर, और क्या तर्क है आपका शेयर को लेकर? देखिए अभिषेक, मैं वैसे तो हमेशा से बैरी था और आज भी बैरी बना हूँ स्टॉक पे, क्योंकि इस कंपनी में कहीं ना कहीं मेरा कन्विक्शन जो है वो काफ़ी कम है। इस स्टॉक की री रेटिंग की एक सबसे बड़ी वजह क्या थी, वो जो AGR का बकाया था, तो लोग मान के चले थे कि AGR का जो बकाया है वो कहीं ना कहीं सरकार माफ़ कर देगी, कुछ राहत वहाँ पर मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला है। जो भी पिटीशन इन्होंने दिया था सरकार ने सिरे से उसे खारिज कर दिया है, तो अब पैसे तो भरने होंगे, तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो कंपनी को होने वाला था वो अब नहीं होगा। तो मेरा बैर का पॉइंट सबसे पहले यही है, AGR का बकाया। वरुण, एक चीज बताऊंगा कि बुल का बैर जो पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगा कि आज स्क्रीन में दिख रहा है, आज आप देख सकते हैं 30,000 करोड़ का जो है बड़ा सा डील है, इसको जो उन्होंने करार दिया, और ये नेटवर्क इक्विपमेंट के लिए है। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग, इन तीनों के साथ करार किया। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल आ रहा है, तो ये मेरा सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका बेयर केस के नहीं बुल केस में। डेफिनेटली शरद, आज 10% चला है, लेकिन आप भूलेगा मत ऊपर से 19% गिरा था, तब जाके अब 10% चला है, तो जितना गिरा उससे कम ही चला है, हालांकि वो बात अलग है। लेकिन हाँ, आप कह रहे हैं कि आज इसने एक डील की, लेकिन आप इस कंपनी की हालत देखिए, बैलेंस शीट की हालत देखिए, 2,00,000 करोड़ का कर्ज है, ये इसको भुगतान करना है। अरे कब तक करेंगे 2,00,000 करोड़ का कर्ज का भुगतान, ज़िंदगी लग जाती है इतना सारा कर्ज भुगतान करने के लिए, तो एक बहुत बड़ा ओवरहैंग है जो हमेशा से इस स्टॉक के साथ अब चलता रहेगा। वरुण, लेकिन देखिए प्राइस तो देखिए, हम लोग प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, वैल्यूएशन देखिए 52-week high से 40% गिर चुका है स्टॉक। बहुत सारे फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेज जो कह रहे हैं कि फेयर वैल्यू जो होता है वो लगभग 11-12 रुपये के, उसके नीचे भाव चल रहा है। तो आप देखेंगे, अगर भाव के स्पेसिफिक देखेंगे तो बुलिशनेस तो दिख रही है, और रिटेल सेंटिमेंट भी देखें, कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आ गए पिछले 2 से 3 साल में वोडाफोन में। देखिए रिटेल इन्वेस्टर आते रहते हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टर आते हैं, FPO भी आया, लेकिन आप देखिए इस कंपनी में खबरें लगातार चलती है। हाल फिलहाल में खबर आई कि REC PFC के साथ ये मिलके फाइनेंसिंग करेंगे, और अब वहाँ पे भी लोगों ने कह दिया कि शायद ये नहीं होते दिखाई दे रही है, तो काफ़ी सारी खबरें इस कंपनी के लिए आती है, खबरों के चलते 10-15% चलता है, लेकिन फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो अभी भी कमज़ोर है। जी बिल्कुल, लेकिन फंडामेंटली अगर मैं इंडस्ट्री के बारे में बात करूं, तो हमने टेलीकॉम सेगमेंट के बारे में बताया कि वो बहुत सारे हाई प्राइस हाइक्स चल रहे हैं, जो ARPU होता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ये बढ़े जा रहा है। और टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो 18 से लेकर 40% तक का ग्रोथ तो देखने मिल गया एक साल में, तो आपको लगता है कि अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री बढ़ रहा है, ARPU इम्प्रूव कर रहे हैं, और इनका अगर ARPU इम्प्रूव होगा तो ये भी अपने जो है डेट को कम करने में ज़्यादा सक्षम रहेंगे, तो हमें लगता है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो है एक अच्छी मोमेंटम तो आ चुकी है, और हमने देखा भी है। देखिए मैं इंडस्ट्री पे बैर नहीं हूँ, इंडस्ट्री तो मुझे भी पता है बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, और अच्छी ग्रो करेगी क्योंकि एक अच्छा सेक्टर है, एक ग्रोइंग सेक्टर है, तो डेफिनेटली ग्रो करेगी। लेकिन इस कंपनी का क्या, खासकर अगर आप देखेंगे तो केपेक्स एक कंपनी क्या से करेगी, क्योंकि अगर आप देखें भारती जियो, इनके जिस तरह से बड़े बड़े केपेक्स के प्लान्स हैं, 5G को तो ये पीछे छोड़ चुके हैं और आगे आप बढ़ने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, और वोडाफोन को आप देखिए केपेक्स नहीं कर पा रही है, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है इस कंपनी के साथ। तो फ्यूचर आउटलुक अगर आप इस कंपनी का देखेंगे तो काफ़ी कमज़ोर है। जी बिल्कुल, केपेक्स के बारे में आपने बहुत सही पॉइंट कहा, लेकिन केपेक्स जो है अब दूसरे डायरेक्शन में जा रही है धीरे धीरे, ये हमने आज नोटिस किया और आज स्क्रीन में देखने मिल रहा है। इसके अलावा जो है जो इक्विटी आ रही है, जो कन्वर्जन होगी गवर्नमेंट की, इस पे अभी भी तो होप है ही। अब इसमें जो है AGR लायबिलिटी 70,300 करोड़ का है, और जो है आंकड़े या मैथमेटिशियन एनालिस्ट सबके बारे में बात करें तो 2 से 3 साल में ये भी कम हो सकती है, और अभी भी पूरी तरह से जो है गवर्नमेंट ने दरवाजे में ताला लगाया नहीं है, अभी भी होप है, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जो है जा सकते हैं या फिर अपील डाल सकते हैं टेलीकॉम प्लेयर्स, तो एक बहुत डेवलपिंग स्टोरी आ रही है टेलीकॉम सेगमेंट में, और खास करके वोडाफोन आइडिया को। देखिए टेलीकॉम सेगमेंट में काफ़ी सारी डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन अच्छा शरद, आप इसको एक टेलीकॉम कंपनी मानते हैं राइट, लेकिन आप देखिए पिछले कुछ समय से लगातार अपना मार्केट शेयर लूज करते जा रही है, हर महीने हम एक ही आंकड़ा देखते हैं,
वोडाफोन ने इतने ग्राहक गवाए, किसी महीने मुझे याद नहीं है, शायद गलती से कभी देख लिया होगा पिछले 4-5 साल में कि वोडाफोन ने ग्राहक जोड़े हैं। हम हमेशा देखते हैं वोडाफोन ने ग्राहक गवाए हैं। और दूसरी एक बात, ये टेलीकॉम कंपनी है लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये फंड रेजिंग कर रही है अपने कहीं ना कहीं कर्ज को कम करने के लिए, तो पता नहीं टेलीकॉम कंपनी या फिर NBFC कंपनी बन चुकी है ये। नहीं, ये तो बात आपने सही कही, लेकिन याद रखिए इस बार जियो एयरटेल ने भी अपने सब्सक्राइबर्स लॉस किए क्योंकि सबने प्राइस हाइक किया, और सरप्राइजिंगली BSNL आ गया है ऑल ऑफ अ सडन 5 साल के बाद कि उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो ये तो बात हुई इसकी। लेकिन हाल ही में जो 24,000 करोड़ का इक्विटी फंड रेज हुआ है उसके कारण लॉन्ग टर्म की बात तो आपने सही की कि थोड़ी इश्यू जरूर है, लेकिन मीडियम टर्म लेवल पे या शॉर्ट टर्म लेवल पे अभी भी लगता है कि सस्टेनेबल रह सकता है। लेट्स सी कितना सस्टेनेबल है, क्योंकि एक नया प्लेयर भी आ चुका है अब तो, जैसे कि कह रहे हैं कि BSNL ने भी यहाँ पे ग्राहक जोड़ना शुरू कर दिया। तो अभिषेक, बैक टू यू, हमने अपने तर्क बता दिए हैं, आप फैसला कीजिएगा आप कहाँ रहेंगे। वरुण, देखिए बड़ा मुश्किल है ये बताना कि नहीं किसके तर्क में दम है, क्योंकि दोनों के दोनों तर्क बहुत ही सॉलिड हैं। नज़रिया बस डिफाइन कर देगा कि अच्छा तर्क कौन से मजबूत हैं। अगर मेरा शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो शायद मैं बुल्स के साइड में चला जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो शायद मैं बेयर्स के साइड में खड़ा हूँगा कि नहीं, मुझे फिर बहुत लंबी अवधि के लिए स्टॉक में दम दिख नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट शेयर लूज़ करना, बड़े डेट का होना, ये तमाम चीज़ें वोडाफोन को परेशान आगे करती रहेंगी।